डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर टू एफ एस सी केमिस्ट्री बुक टू के साथ हाजिर हूँ इस लेक्चर में हम पाँच बातें डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेबल लाइन टेबल द प्रयाडिक्स ऑफ मेंडली प्रयाडिक टेबल डी मैरिट्स ऑफ टेबल एंड द इम्प्रूवमेंट्स इनमेंट लीव्स प्रियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न प्रियोडिक टेबल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में के चार पांच बातें आप थोड़ा सा गौर कर लेंगे अल राजी ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बुनियाद पे बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो एलिमेंट को अरेंज राजी किस बुनियाद पे कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। दो ब्रीनर लाफ ट्राइएड प्रोपोज करता है जर्मन केमिस्ट है और तीन तीन एलिमेंट का थ्री एलिमेंट का एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप को जो एक जैसे एलिमेंट खूबियों वाले एलिमेंट थे ट्राइएड की फार्म में रखता है जिसका लाफ ट्राइएड दो वरीनर के नाम से याद रखना है और ग्रुप ऑफ थ्री सिमिलर एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अटोमिक मैसेज ये आपने किस लिहाज से रखना है ट्राइएड के तौर पे याद रखना है तीन का गुच्छा तीन एलिमेंट का ग्रुप न्यूलैंड इंग्लिश केमिस्ट है म्यूजिक से शगफ है सेवन ट्यून्स को जानता है कहता है एट ट्यून नहीं होगी अगर आठवीं लेके आऊँगा तो वो फर्स्ट से मिल जाएगी उसने एक ला पेश किया जिसको न्यू लैंड ला ऑफ ऑक्टिव कहते हैं और वो कहता है कि वेन द एलीमेंट्स इनक्रीजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिटस ला इज कॉल्ड ला ऑफ को कहते हैं ना आठ वाला डिजिट इसमें आ रहा है मैडलीव ने रशियन केमिस्ट है एटीन सेवनटी वन में पहला रेगुलर प्रयाडिक टेबल बना दिया हर कोई नई नई चीज़ें लेके आता था कंसेप्ट लेके आता था लेकिन वो जो रेगुलर प्रयाडिक टेबल वाला कंसेप्ट था वो मैटलीव के दौर में शुरू हुआ मेंटली ला और प्रयाडिक टेबल क्या चीज़ें हैं क्या शय है मेंटली ला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रयाडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक मैसेज फिजिकल और कैमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की उन्हीं के एटॉमिक मैसेज की वजह से होती हैं ने नोटिस किया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज देन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स दूसरे लवर में रेगुलर इंटरवल का मतलब ये हो गया कि पीरियड खास इन्वॉल्व्स में हो जाते हैं परक किया उसने इसी तला पे और बड़ा ज़हीन आदमी था मेंडलीव को उसके साथ ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिस्ट्री भी कहते थे इतना उसको नॉलेज था केमिस्ट्री के बारे में तो उसने इसी ला पे काम करते हुए एक टेबुलर फार्म ऑफ एलिमेंट्स बनाई उस टेबुलर फार्म ऑफ एलिमेंट का नाम मैंडली प्रयाडिक टेबल रखा गया जिसमें ट्वेल्व पीरियड थे एट ग्रुप थे हमारी बुक में इसकी पिक्चर नहीं है मैरिट्स क्या थे मैंडली प्रयाडिक टेबल के मेजर मैरिट्स ये थे इसमें से दो भी आपको आगे सफिशेंट हो जाएंगे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मैथ का सीक्वेंस है जिस बुनियाद पर इन्होंने अरेंज किया ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स हैं एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी उठाई जो उसके जहन में फंडामेंटल थी गो के ऑटोमिक मैथ उस लिहाज से फंडामेंटल तो नहीं था लेकिन उस दौर के लिहाज से वो इसको फंडामेंटल मानता था बुनियादी खूबी मानता था उसने ग्रुप्स कर दिए एलिमेंट्स के जिनकी खूबियाँ एक जैसी थी तीसरा पॉइंट ये है कि कुरेक्शन ऑफ ऑटोमिक मैसेज भी कर दिया एक एग्जाम्पल मैंने दे दी है कि ब्रिलियम को थर्टीन पॉइंट फाइव लिखा जाता था एम यू लेकिन इसने कहा यह तो नाइन ए एम यू बनता है इसको लेना चाहिए प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं भी हुए थे इसने उनकी अपनी तरफ से नाम रख के उनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर दी जब बाद में वो मिल गए जर्मेनियम गेलियम स्केंडियम तो उनके नाम भी ओरिजिनल रख दिए गए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह की थी जैसी प्रिडिक्शन मैंडलीव ने की थी ये बड़ी हैरान कौन बात गैप्स फॉर अनडिसकवर्ड एलिमेंट्स मैंडलीव ने अपने प्रयाडिक टेबल में कुछ ब्लैंक जगह भी छोड़ी खाने खाली छोड़े और दावा यह किया क्लेम यह किया जो बहुत करज की बात थी हौसले की बात थी साइंस में कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे फ्यूचर में वो इन जगहों पे फिट होंगे जो खाली जगह मैंने छोड़ी हैं जब वो डिस्कवर हुए तो बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि उन्हीं खानों में डब्बों में उन्हीं पोजीशंस पर फिट हुए जो उसने रखे थे डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? अगर इनमें से फोर पॉइंट्स भी आप याद कर लोगे लिख लोगे बेशक अपने वर्ड्स में शानदार काम हो जाएगा एग्जाम के लिहाज से रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी डिसएडवांटेजेस क्या थे पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन सेटिसफैक्ट्री नहीं है क्यों नहीं है उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं मोर देन वन ग्रुप से ये मिलती है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मसला था लोगों ने इतराज़ कर दिया कि आपने तो अपने एलिमेंट जो हैं वो ऑटोमिक मैस के लिहाज से रखे हुए हैं तो कुछ क्वेश्चन किए साइंसदानों ने उन्होंने कहा पहली तो बात ये बताएं कि प्रोटियम तो आपने रख लिया है वाट इज़ अबाउट ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम उसका जवाब नहीं दे सका बहुत बड़ा आदमी था लेकिन देखने वो भी लाजवाब हो रहा है मिस फिट पेयर्स कई पेयर्स थे एलिमेंट कई पेयर्स थे एलिमेंट के जिनमें ज्यादा मैथ वाले को इसने पहले रखा हुआ था कम मैथ वाले को बाद में रखा हुआ था जो इसके अपने ला के अगेंस्ट बात थी लेकिन वो कहता था जी मैं ऐसे अरेंज नहीं करता ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले से मिलता नहीं सिमिलर एलिमेंट्स को हैदा रखा हुआ है जैसे कापर मरकरी बेरियम लेड ये अलग अलग है इसके प्रयाडिक टेबल को अगर देखें तो अवेलेबल होता है नेट पे डिसिमिलर एलिमेंट्स इट्ठे रख दिए हुए हैं अलकली मेटल को और जिंक फैमिली जो है जिसे आजकल हम सेकंड बी में रखते हैं इनको इकट्ठा है, रखा हुआ है काज ऑफ प्रयोरिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका फिर दोबारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं जस्टिफाइड पोजीशन ऑफ आइसोटोप के कंफ्यूजन है मिसफिट पेयर्स मौजूद हैं सिमिलर एलिमेंट अलहदा अलहदा रखे हुए हैं डिसिमिलर एलिमेंट इकट्ठे रखे हुए हैं और प्रयाडिसिटी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज की प्रॉपर वजह नहीं बता सका बड़ा साइंटिस्ट लेकिन फिर भी कई जगहों पर रुक गया इम्प्रूवमेंट्स क्या की गई मैंटली प्रेरडिक टेबल को यूजफुल और अकोरेट करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट की गई अटामिक नंबर बेस्ड क्लासीफिकेशन अब कर दी गई रदर देन अटोमिक मैथ पहला पॉइंट है अटामिक नंबर बेस्ड क्लासीफिकेशन दूसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ कन्फ्यूजन जो मसाइल थे जैसे पोजिशन ऑफ आइसोटोप में मसला था और मिसफिट पेयर्स थे तो मिस पेयर तो अटामिक नंबर बेस जब अरेंजमेंट की गई तो वो अपने आप कोट हो गया आर्गन से पहले आ गया पोटाशियम बाद में पहले भी ऐसे ही था आइसोटोप का मसला भी हल हो गया क्योंकि ए वन अटामिक नंबर वाला हाइड्रोजन का मतलब है तीनों हाइड्रोजन तीन का अटामिक नंबर तो वन है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप कर दिया गया वो कौन सा नोबल गैसे जो डिस्कवर हुई प्रयाडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट की तरफ उसको प्लेस कर दिया गया स्प्लिटिंग ऑफ मेन ग्रुप जो ग्रुप में मिक्सिंग की बात हम कर रहे थे अल्कली मेटल और सेकंड बी एलिमेंट की और उसके दो टुकड़े कर दिए गए आजकल सेकंड ए और सेकंड बी क्लियर हो गए बेटे ये बातों को रिपीट कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे थैंक यू वेरी मच